राजगढ़ जिले की कुलावर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चोरी कर डीजल बेचने वाले ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने 400 लीटर डीजल सहित कई उपकरण जब्त किए। फिलहाल पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है। कल जो रास्ते गश्त में थे हम DI साहब और भी पुरुष था, तो मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जामुनिया जोड़ पर श्रीदेव ढाबा है, उसमें अवैध रूप से डीजल का कारोबार चल रहा है। तो मुखबिर की सूचना पर वहां पर दबिश दी गई, तो ढाबे के पीछे 11 कुपियों में लगभग 411 लीटर डीजल और उपकरण जब्त किए गए हैं। उसकी कीमती लगभग 27,000 रुपये है। और जब आरोपी संचालक, जो ढाबा संचालक है राहुल, उससे वैध कागजात मांगे गए, तो उसके पास कोई वैध कागजात नहीं पाए गए, तो जब्त करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 और मानव जीवन को संकट करने और एक जगह पर ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा करने के लिए IPC की धारा 285 के तहत आरोपी बनाया गया है। आगे की कार्रवाई